प्रेग्नेंट डॉग के ऊपर किसी आदमी ने गरम तेल फेंक दिया था एंड उसकी पूरे जो बैक का जो स्किन था पूरा जल गया था एंड वो पिलफ हो गया था। वो पेन में इतना चिल्ला रहा था, हमें नहीं लगा था कि वो रात तो जिंदा रह पाएंगे। बड़े मुश्किल से हमने स्टेबल किया था बट वो जिया नहीं था, वो मर गया था। मैं काम शुरू किया है 2016 से। हमारे शेल्टर में डिसेबल डॉग लाइक पैरालाइज्ड, ब्लाइंड, ओल्ड एज डॉग ये ज़्यादातर होते हैं। 13,000 से भी ज़्यादा डॉग को स्टेरिलाइज करा, वैक्सीनेट करा, मेडिकल असिस्टेंस दिया एंड रेस्क्यू करा। हम एक डॉग को रेस्क्यू करके सबसे पहले हमारे शेल्टर लाते हैं, उसको जो भी इमीडिएट मेडिकल नीड्स की ज़रूरत होते हैं वो हम देते हैं एंड साथ के साथ हम न्यूट्रिशियस फूड भी देते हैं क्योंकि फूड इज़ अ बेसिक कंपोनेंट मुझे लगता है जिससे डॉग ज़्यादा हील होता है। मुझे एक ही गोल है कि इनकी जितने सफरिंग्स कम हो। हमारे पास कभी कभी रिपोर्ट होता है कि अर्जेंटली मुझे रेस्क्यू करने की ज़रूरत होती है डॉग को, बट हमारे पास एम्बुलेंस नहीं होता है तो हम अर्जेंट बेसिस पे भेज नहीं सकते हैं। तो हमारे पास अगर अपना एम्बुलेंस हो जाए तो हम इंस्टेंटली भेज सकते हैं और रेस्क्यू कर सकते हैं। फूड एंड मेडिसिन की एक मेजर प्रॉब्लम होता है क्योंकि ज़्यादा एनिमल मतलब ज़्यादा फूड चाहिए होता है, ज़्यादा मेडिसिन चाहिए होते हैं। वो चीज़ हमें डे टू डे बेसिस में अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ आगे आए और इन बेजुबानों को जितने ज़्यादा हो सके मदद करें सो दैट ये डॉग आगे की ज़िंदगी अच्छे से बिता सके।